हेलो फ्रेंड, ये स्टॉक का ये नोट काउंटिंग मशीन है जो कि बिल्कुल बंद है, ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको हम आपको रिपेयरिंग करके दिखाएंगे कैसे रिपेयर हो रहा है। तो वीडियो में आप बने रहे। ये स्टॉक ब्रांड का ये नोट काउंटिंग मशीन है। तो ये बिल्कुल अभी ये मशीन बंद है, ऑन मोड में नहीं है। तो आपको हम रिपेयर करके बना के दिखाएँगे कैसे रिपेयर होगा। आप वीडियो में बने रहें। और नया सब्सक्राइबर हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम इसको एक बार पावर सप्लाई देख देखते हैं। ये पावर केबल है, इसको लगा के हम ऑन करके देखते हैं। ये बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है, मशीन बंद है, डेट है। तो सबसे पहले हम इसका फ्यूज चेक करेंगे। यहाँ से फ्यूज चेक होता है। तो फ्यूज इसको हम खोल के चेक किए हैं, ये फ्यूज बिल्कुल ओके है। दूसरा ऑप्शन होता है ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट का होता है, कोई भी ब्रांड का हो, ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक का है। ऑल ब्रांड जितने भी होते हैं उसका जो ट्रांसफार्मर का जो ये होता है वो 12 वोल्ट का होता है। तो अब हम ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे कि ट्रांसफार्मर में ये ट्रांसफार्मर उड़ा है या मदरबोर्ड से प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर यहाँ से हम खोलेंगे। ये हॉपर प्लेट होता है, इस प्लेट को निकालने का आसान तरीका होता है। यहाँ से आप ये दो क्लिप लगा रहता है इस तरह से, इस क्लिप को ऐसे खींचेंगे ये बाहर आ जाएगा आपका। और यहाँ से ये कनेक्शन होता है बोर्ड में, इसको निकाल देंगे, ये निकल गया। अब ये ट्रांसफार्मर होता है। तो यहाँ से हम ट्रांसफार्मर खोल रहे हैं। ट्रांसफार्मर खोल के चेक करेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है, सही है या क्या है। यहाँ से दो बोल्ट होता है, दो बोल्ट को पैन करेंगे आपका ये ट्रांसफार्मर निकल जाएगा। और ट्रांसफार्मर का जो है ना, ये प्राइमरी ये हो गया और सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी जो होता है जो मदरबोर्ड में यहाँ कनेक्ट होता है, यहाँ से आप इसको निकाल लेंगे। और ट्रांसफार्मर निकालते ही देखिए ये शॉर्ट लगा हुआ है, बिल्कुल जला हुआ है। तो इसका जो है ना, ये मशीन में ट्रांसफार्मर जला हुआ है। तो अब इसको सबसे पहले ट्रांसफार्मर हम चेंज करेंगे और ट्रांसफार्मर चेंज करके आपको दिखाते हैं और फिर ये ऑन हो रहा है कि नहीं। तो वीडियो में आप बने रहें। मैं ट्रांसफार्मर इसको नया ट्रांसफार्मर लगा रहा हूँ अभी। तो ये मैंने ट्रांसफार्मर इसको ये खोल चुका हूँ। ये देखिए ट्रांसफार्मर में शॉर्ट लगा हुआ है, बिल्कुल ये जला हुआ है। ये शॉर्ट होने का कारण होता है या आपका लो वोल्टेज होता है या हाई वोल्टेज होता है, उसके कारण ये शॉर्ट कर जाता है, बिल्कुल जल चुका है। और ये मैं नया ट्रांसफार्मर ला चुका हूँ। इसको यहाँ कनेक्ट करने के लिए यहाँ से दो तार काटना है आपको। और इस तरह से इसको कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करके हम इसको चेक करेंगे कि मशीन ऑन हो रहा है कि नहीं। फिर इस पे आप जो है ना, या तो आपके पास स्लिप हो या आप इसको बिजली टेप जो होता है वो टेप इस पे मार देंगे। टेप मारने के बाद फिर ये जो सेकेंडरी जो होता है ये जाके आपका बोर्ड में लगेगा। यहाँ से ये मदरबोर्ड होता है, इसमें यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ये कनेक्ट हो गया। फिर दोबारा हम इसको जो है ना, यहाँ फिर इसको हम बोल्ट टाइट कर देंगे। इसको हम बोल्ट टाइट करते हैं। तो इसमें इस तरह से यहाँ पे ट्रांसफार्मर को लगा दिए हैं और यहाँ ये कनेक्शन होता है, इसको लगा दिए हैं। अब इसको मैं ऑन करके चेक करता हूँ। देखिए मशीन ऑन हो चुका है।
बिल्कुल आपका ये मशीन बिल्कुल देश मशीन था और बिल्कुल वर्क कर रहा है। हम आपको भी दिखा रहे हैं आपको, ये आपको मैं चेक करवा रहा हूँ। बिल्कुल ऑन हो चुका है मशीन। अब मैं आपको यहाँ से कॉपर कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह से सेट कर लेंगे, ये देखिए बिल्कुल मशीन ऑन हो चुका है। अब मैं नोट डाल के आपको दिखा रहा हूँ। इसका जो है ना ट्रांसफार्मर जो है ना, ये जल चुका था शॉर्ट लगने कारण। तो इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सबसे पहले फ्यूज चेक कर लें। फ्यूज चेक करने के बाद दूसरा जो ऑप्शन होता है वो ट्रांसफार्मर का ही होता है। ये देखिए बिल्कुल मशीन वर्क में है। तो इस तरह से आप अपने मशीन को रिपेयर कर सकते हो। आपका कोई सा भी मॉडल हो, कोई सा कभी कंपनी का हो, अदर भी ब्रांड का हो, तो आप इस तरह से आप रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कोई भी तरह का परेशानी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं।